सारा कुकहाउस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो बच्चों को पालक की सब्जी खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर कैसा होगा अगर हम इसी पालक से उसकी पूरियाँ बनाएं? तो आज हम इसी पालक से पालक पूरी बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती ही है पर खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए ये पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पालक पूरी बनाने के लिए मैंने थोड़े से पालक के पत्ते धो के साफ करके लिए हैं। 2 कप जितना ये गेहूं का आटा लिया है। ये बेकिंग सोडा है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा मैं यूज़ करने वाली हूँ। 1 टेबलस्पून जितना ये तिल लिया है। 1.5 टीस्पून जितना नमक है। 1/2 टीस्पून जितना हल्दी। 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून जितना ये जीरा पाउडर। 1 टीस्पून जितना ये गरम मसाला। 1/2 टीस्पून जितना ये लाल मिर्ची का पाउडर। और ये 3-4 हरी मिर्च को मैंने तोड़ के लिया है। 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है। और तेल चाहिए पूरी को फ्राई करने के लिए। तो चलिए पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले इस पालक को ब्लांच करके लेंगे। ये देखिए, ये पालक को ब्लांच करने के लिए एक पैन में मैंने पानी रखा है, पानी उबल रहा है। अभी मैं इसमें 1 चुटकी ये बेकिंग सोडा डाल दूंगी, ताकि ये पालक का जो कलर है हमारा ऐसे ही अच्छा रहे। अभी मैं इसमें ये पालक के पत्ते डाल रही हूँ। इसे थोड़ा 1-2 मिनट तक हम पका लेंगे। ये देखिए, ये पालक के पत्तों को मैंने 1-2 मिनट तक ब्लांच करके लिया है। अभी मैं इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दूंगी। ये पालक अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी मैं इसे एक मिक्सी के जार में निकाल रही हूँ। ये 3-4 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसका हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट बन के तैयार है। अभी हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। सबसे पहले इस प्लेट में ये आटा निकाल लेते हैं। अभी मैं इसमें ये थोड़ा सा तिल डाल दूंगी। ये लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर है, हल्दी डाल रही हूँ इसमें, और ये नमक। अभी मैं इसमें ये पालक का जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल रही हूँ। पूरा पालक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसका डो बनाएंगे। ज़रूरत लगेगी तभी हम पानी ऐड करेंगे इसमें। अभी मैं इसमें ये थोड़ा पानी डाल रही हूँ। ये मिक्सी के पॉट में ही मैंने पानी लिया है, जिसमें हमने पालक को ब्लांच किया था वही पानी मैंने इसमें डाला है। स्टीव डो बना के तैयार करेंगे। पूरी बना रहे हैं हम, तो हमें स्टीव डो की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये अच्छा स्टीफ डो बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। अभी मैं इसे थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सा नीड कर लूँगी। अभी हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसकी पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस आटे को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखा था। थोड़ा सा नीट कर लेंगे और एक बार हम इसे। अभी हम सबसे पहले इस आटे में से एक लोई उठा के उसका एक बॉल बना लेंगे। इसे इस तरह से रख के इसे बेल लेंगे।
थोड़ा सा तेल लगा के बेलेंगे इसे। देखिए इस तरह से मैंने इसे रोल करके लिया है। अभी हम इसकी पूरियां इस कटोरी से बनाएंगे। ये पूरियों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। इसे मैंने हल्का मोटा रखा है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए ये पूरियां तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। अभी मैं इसमें ये पूरियां डाल दूंगी। ये देखिए इन पूरियों में बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए ये पूरियां हमारी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। मैं आपको और एक मेथड दिखाने वाली हूँ स्पेशली बच्चों के लिए। इस तरह के जो कुकी कटर आते हैं इससे हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले अभी मैं इसे रोल कर लेती हूँ। इसे मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अभी हम बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह के जो कुकी कटर आते हैं इससे हम इसे कट करेंगे। इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं इसे अलग कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसे सेपरेट कर लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए ये तेल गरम है हमारा। अभी मैं इसमें ये क्यूट क्यूट से ये जो पूरियां बनाई है हमने वो डाल दूंगी। ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनमें। अभी मैं इन्हें निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो ये देखिए ये हमारी गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी पालक पूरी बनके तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और ये जो हमने बच्चों के लिए स्पेशली बनाई है ये पूरियां भी बनके तैयार है। तो हमारी ये गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी पालक पूरी बनके तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा रेसिपीज़ देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakookhouse.com। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।